नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में ओल्ड पेपर को हल करवाने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, है ना। जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस लगातार दूसरे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पूरा फोकस लगाकर इस सीरीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए इस सीरीज़ को आप पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। बहुत जल्द फास्ट तरीके से मैं इस पेपर को करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो फैक्ट चीज़ है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए पूरा ज़रूर देख लेना, ठीक है। देखिए, यह जो पेपर है ना 2020 का है, ठीक है, ध्यान रखना CBT एग्ज़ाम है, क्योंकि 2020 का यह पेपर है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। यह क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है और क्वेश्चंस पूछा क्या पूछा गया है, ठीक है, पूछा जाता है वो तो सबको पता है, लेकिन पूछा गया है एग्ज़ाम में। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप ज़रूर याद रखना। यहाँ पर है डीसी जनरेटर का नाम क्या है, डीसी जनरेटर का नाम पूछा गया है, तो यह डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आंसर पर चर्चा करेंगे अपन, है ना। आपके सामने जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि है जनरेटर में प्रेरित EMF, प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो प्रेरित EMF और बात यहाँ पर जनरेटर की हो रही है, तो जनरेटर के लिए अपन दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आपका कंप्लीटली यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चंस आपके सामने है कि वाइंडिंग प्रतिरोध यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वह केल्विन ब्रिज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं, यह आप ध्यान रखना। अगर इंसुलेशन प्रतिरोध पूछ ले तो मेगर लगा के आना, लेकिन आर्मेचर प्रतिरोध पूछे तो केल्विन ब्रिज लगाकर आना, ये आपको मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है कि यदि क्वायल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। अगर क्वायल पिच जो पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है, तो इस वाइंडिंग को कहते हैं शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग, ठीक है, शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। यहाँ पर भी डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से जो कि आपके सामने कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। पहले जनरेटर के बारे में पूछा था, अब मोटर के बारे में पूछा है। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, तो देखना यहाँ पर सोचने वाली बात है। यहाँ पर बच्चे सी लगाकर आएंगे और यह क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। मैं आपसे फिर से बोल देता हूँ, जो पहले जिस बच्चे ने पेपर दिया था उसने भी सी ही लगाया था, लेकिन आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। कारण क्या है कि डीसी मोटर में डीसी मोटर की गति दिशा अगर ज्ञात करनी हो ना तो बाएं हाथ का नियम काम में लेते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर यह चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बतानी हो तो बाएं हाथ का नियम काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर करंट की दिशा पूछी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यानी कि दाहिने हाथ का नियम, ध्यान रखना, गलत मत करना इसको। फिर से मैं बोल देता हूँ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम करंट की दिशा को दर्शाता है, इसको आप ध्यान रखना, फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, यहाँ पर शॉर्ट और ओपन सर्किट, ठीक है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए
आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है ग्राउलर। ठीक है, अब ग्राउलर यहाँ पर ऑप्शन में दो दिए गए हैं, आंतरिक ग्राउलर और बाहरी ग्राउलर। यहाँ पर देखिए इस तरीके का ग्राउलर अपन प्रयोग में लेते हैं जो कि वी शेप का होता है, और इस पर यहाँ पर आर्मेचर रखते हैं अपन बाहर की ओर, तो यह बाहरी ग्राउलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। इस तरीके से पेपर आएगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, और यह का ऐसा छपा हुआ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? देखिए कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? श्रेणी बी की ध्यान रखना, श्रेणी बी में आता है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगर आपसे घुमा फिरा कर फिर क्वेश्चन पूछ ले, कपास किस में आता है? तो यह आता है वाई में आता है। ठीक है, बांस भी वाई में आता है, और चमड़े का कागज यह भी वाई में आता है, ध्यान रखना। ये बाकी जो लिखे हुए हैं ना, ये सब वाई में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है वैसे, लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तुल्यकालिक गति क्या होती है? देखिए इसने गलत लगाया स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। जो तुल्यकालिक गति होती है ना, वह होती है चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है उसको तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है, ये आप ध्यान। अगला क्वेश्चन से जो कि है, पूर्ण लोड पर 10 HP तीन कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? तो यहाँ पर फ्यूज दर पूछा है, तो यहाँ पर फ्यूज दर होगा 25 एम्पीयर। इसको आप रट कर याद रखना, जैसे भी याद रखो, लेकिन इसको जरूर याद रखना, 10 HP के लिए 25 एम्पीयर यहाँ पर होगा। ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट याद रखो 25 एम्पीयर। ठीक है, क्वेश्चन से यहाँ पर अपना 10वें नंबर का जो कि है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? कैसे आया, क्या है, कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको 180 से डायरेक्ट गुणा करना है 6 को। ठीक है, गुणा करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 × 48 होता है, 48 के 8 आएगा, लगेगा 4 हासिल पर, 6 × 6 होता है, 6 × 4 कितना होता है, 10 होता है। कितना आया, 1080 आया। कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, तो अपना सी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर है, 1080। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस जो कि है, तीन कला है ना, तीन फेज, 36 स्लॉट है, 12 क्वाइल है, और 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। यहाँ पर कला विस्थापन की गणना करनी है, 6 स्लॉट यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर है। ठीक है, कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं, 12 को आपको भाग देना है स्लॉटों में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को गुणा करना है किससे, फेज से, सॉरी 3 को जोड़ना है फेज में, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चंस, वैसे आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, 6 स्लॉट माइंड में सेट कर लेना। अगला क्वेश्चन जो कि है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार पूछा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, कैपेसिटर लगा हुआ है कि नहीं है, तो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर वाली मोटर तो होगी ही, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्थायी संधारित्र है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल लगा हुआ है, इसलिए स्थायी तो नहीं है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन है क्या, तो यहाँ पर 2 बार अगर कैपेसिटर के नाम आ रहे तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर नहीं दिए हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इंडक्शन स्टार्ट, इंडक्शन रन, तो यहाँ पर कैपेसिटर का नाम ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या अपना, तो यही बचा है ना डी, तो यही अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, वाउंड रोटर यानी कि जो वाइंडिंग रोटर होता है जिस पर वाइंडिंग की जाती है, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है?
तो कौन सी एकल, उसको कहा जाता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन मोटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल चरण प्रेरण मोटर यानी कि सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। सिंगल फेज मोटर हमेशा ध्यान रखना लेंज के नियम पर कार्य करती हैं, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर नहीं करती हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे फेराडे का करके आ जाएंगे लेकिन गलत हो जाएगा। सिंगल फेज, ओनली सिंगल फेज, बाकी सभी मोटरें फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती हैं, लेकिन एक ही मोटर ऐसी है सिंगल फेज जो कि क्या करती है, लेंज के नियम पर कार्य करती हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, सतर्क कर रहा हूँ। इसमें आप लेंज कर आना, सिंगल फेज अगर पूछ ले और थ्री फेज पूछे, डीसी मोटर पूछे, बाकी दूसरी मोटर के बारे में पूछे, तो आपको फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण करके आना है। ठीक है, इस बच्चे ने जो गलती की है वो गलती आप मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। सार्वभौमिक यानी कि होता है यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग पूछा है। तो सभी जानते हैं फूड मिक्सर यानी कि खाद्य मिक्सर में इसको प्रयोग में लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो अल्टरनेटर को केवीए में रेटेड किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर को केवीए में करते हैं, जनरेटर पूछ ले तो केडब्ल्यू में करते हैं, डीसी जनरेटर किस में करते हैं तो केडब्ल्यू में करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। घूर्णन क्षेत्र यानी कि रोटेटिंग फील्ड, ठीक है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग घूमती है, उसका उपयोग करने का क्या फायदा है। तो देखिए यहाँ पर फायदा तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने जो ऑप्शन में दिया है दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, फेजों की संख्या कितनी भी हो, केवल केवल स्लिप रिंगें कितनी चाहिए, दो चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखना 18 नंबर को, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज को समझना, आप क्या लैंग्वेज दी है समझ में नहीं आएगा आपके, ना अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, पार्ट मार्क्ड एक्स यानी कि एक्स भाग को चिन्हित है ना, तो रोटरी कन्वर्टर, तो ये जो रोटरी कन्वर्टर आपके सामने है, इसमें जो ये एक्स भाग दिया गया है इसका नाम बताना है कि, तो इस भाग का नाम क्या है। ठीक है, इस भाग का जो नाम है वह है कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट यानी कि वितरित थेट विद्युत प्रवाह संकलित करता है, यानी कि जो विद्युत को एकत्र करता है। ठीक है, जो यहाँ पर एसी बनती है उसको क्या करता है, यह डीसी में कन्वर्ट करता है। वैसे आंसर यहाँ पर कम्यूटेटर है, लेकिन ऑप्शन में कम्यूटेटर दिए ही नहीं है, तो अपन को कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन को डी ऑप्शन ही लगाना है। ध्यान रखना कलेक्टेड द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जो कि है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको अपन तुल्यकालिक कन्वर्टर कहते हैं, सिंक्रोनस कन्वर्टर कहते हैं, सिंक्रोनस कन्वर्टर। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करे उसको आप सिंक्रोनस यानी कि तुल्यकालिक कन्वर्टर कहेंगे, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। मोटर जनरेटर सेट का लाभ पूछा है, तो मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, मोटर जनरेटर का सेट का जो लाभ है वह है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जितना अपन को वोल्टेज चाहिए उतना अपन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यह लाभ होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि एम्पलीफायर का नाम क्या है, एम्पलीफायर का नाम बताना है। ध्यानपूर्वक इस चित्र को देख लो और इसका आंसर दे देना। आंसर है आपका क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि है आपका, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। निष्क्रिय घटक होता है और एक होता है सक्रिय, एक तो होता है निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय। यहाँ पर निष्क्रिय को हिंदी में बोलते हैं पैसिव, और सक्रिय जो आता है ना उसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव। ठीक है, अगर आपसे एक्टिव पूछ ले तो भी आप क्या आंसर दे के आओगे, यहाँ पर निष्क्रिय घटक पूछा है तो आप क्या आंसर दोगे, तो निष्क्रिय घटक जो है वह संधारित्र है। ठीक है, निष्क्रिय घटक कौन सा है, संधारित्र है। लेकिन अगर आपसे एक्टिव पूछ ले तो वह होता है ट्रांजिस्टर, डायोड और डायक। ये जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द जो आते हैं ना ये सब एक्टिव होते हैं। ठीक है, डायक,
डायोड और ट्रांजिस्टर ये सभी क्या है, एक्टिव है, और संधारित्र जो है वह क्या है, निष्क्रिय है। इस जगह अगर प्रतिरोध भी आ जाता तो वह कंप्लीटली सही आंसर होता, वाइंडिंग आ जाती तो वह कंप्लीटली सही आंसर होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका, कौन सा अक्सर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो कैडमियम सल्फाइड को कौन इंगित करता है, तो वह होता है आर, ठीक है। आर कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है, तो यह अपना कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सभी इसको जानते ही होंगे कि यह किसका डायग्राम है, तो यह जो है ना, इसको कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। रंग बिरंगी ये जो रिले हैं, रेल है, डीन रेल इसको कहते हैं, अपन सभी जानते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, डीन रेल कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, डीन रेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोण का नाम क्या है, सभी जानते हैं ग्रोमेट है, ठीक है, इसको सभी जानते हैं ये क्या है, ग्रोमेट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो देखिए, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, विच डिवाइस ऑफ अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, तो देखिए यहाँ पर सेंसर के द्वारा बचा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर, सेंसर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पूछा है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो यहाँ पर है वह मोटर को नियंत्रित करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण है, सी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है? BOP का पूर्ण रूप आप याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। BOP का जो पूरा नाम है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल होता है, ठीक है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन मत होकर आना, यहाँ पर सभी शब्द एक जैसे दिखेंगे, लेकिन ऑपरेशनल को आपको ढूंढना ही पड़ेगा, बेसिक ऑपरेशनल पैनल यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर ये निरंतर ड्यूटी ड्राइव, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो देखिए, अगर यहाँ पर आपको कहा गया है कि 240 वोल्टेज सिंगल फेज पे, लेकिन अपने घरों में कितना आता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, 228 के लगभग ही आता है, सिंगल फेज में 240 वोल्ट होता है, लेकिन आता कितना है वास्तविक में, 228 आता है, तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन को कंप्लीट सही करके आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत धारा मुक्त होता है? तो यहाँ पर देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको भी आप फुल फॉर्म याद रख के आना, ये पूछ सकता है आपसे, ECC का पूरा नाम क्या होता है, ECC का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ECC का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, हिंदी में विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ECC का पूरा नाम होता है, तो इसको भी आप याद रखना। दो क्वेश्चंस मैंने बता दिए यहाँ पर, एक तो ये 31 से जो है, लेकिन एक मैंने साथ ही साथ ये भी बता दिया है, इसको भी आप याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर UPS का पूरा नाम पूछा जा रहा है, UPS का पूरा नाम यहाँ पर होता है जो कि होता है निर्बाध विद्युत आपूर्ति, इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट रैपिड पावर सप्लाई, ये आप याद रखना है इसका पूरा नाम, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग सभी जानते हैं, स्वचालित स्टेप्ड, देखिए इसको कहाँ पर प्रयोग में लेते हैं, क्या अनुप्रयोग है वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर प्रयोग में लेते हैं, तो टेलीविजन के अंदर प्रयोग में लेते हैं, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, गैर पारंपरिक
ऊर्जा स्रोत कौन सा है? गियर के बारे में पूछा है, गियर को देखिए, गियर के बारे में ध्यान रखना आप। एक तो गियर पारंपरिक पूछा जाता है और एक अपारंपरिक पूछा जाता है। तो गियर के बारे में तो आप याद रखना हवा है, और बाकी जो सभी है ये पारंपरिक है, ठीक है। हवा को ध्यान रखना भाई, ये गियर के इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत पूछा है। ऊर्जा का जो प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा मिलता है, तो वो तो सूर्य ही है। सूर्य के द्वारा अपन सौर पैनल पर इसकी किरणें गिरती हैं और अपन को विद्युत एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर सौर पैनल सूर्य, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? सूर्य है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशंस में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है 1 मेगा ओम से अधिक होता है, क्योंकि जो मेगर होता है ना अपना, वह इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, अगर इंसुलेशन प्रतिरोध कौन मापता है तो मेगर मापता है, ये ध्यान रखना। और मेगर जो मापता है वह 1 मेगा ओम से अधिक प्रतिरोध को मापता है। तो यहाँ पर 1 मेगा ओम से अधिक याद रखना आप, ठीक है, 1 मेगा ओम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि हैं लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? आपके सामने ये इंसुलेटर है, यह इंसुलेटर कौन सा है? एक इंसुलेटर इस तरीके का आता है, ठीक है, एक इंसुलेटर इस तरीके का आता है, ये होता है पिन इंसुलेटर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये तो होता है मैंने बनाया जो तो होता है पिन इंसुलेटर, और यहाँ पर जो दिया है ये कौन सा इंसुलेटर है? तो यह कौन सा इंसुलेटर है? ये जो है यह निलंबन प्रकार इंसुलेटर है, जिसको कहते हैं सस्पेंस टाइप इंसुलेटर होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है, ध्यान रखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे पिन करके आ जाएंगे, डिस्क करके आ जाएंगे या सेकल करके आ जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई सा भी नहीं है। कौन सा है? ये डी वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर है स्पार्किंग से बचे, ठीक है, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, आपके जो है ना, अभी जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आपके ट्रेड थ्योरी जो है ना, ट्रेड थ्योरी से संबंधित आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी 6 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं? 50, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। लेकिन जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ना, ये पेपर 2020 का है, उस टाइम पर क्वेश्चनों की संख्या अलग अलग थी, तो उस अनुसार इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के और अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सीक्वेंस ये याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 38, 6, 6 और 25, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जैसे अपन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही है, तो आप इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 39 जो नंबर क्वेश्चन है वह है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सर्किट ब्रेकर जो है ना, कि टूटने की क्षमताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इनकी जो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमताओं का जो मूल्यांकन है ना, वह अपन MVA में करते हैं। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन को लगाकर आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? सर्किट ब्रेकर आपके सामने है, इन सर्किट ब्रेकर का नाम बताना है। तो यह एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होते हैं। यहाँ पर देखिए ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, किस गति परक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो देखिए यहाँ पर, अब आपके वर्कशॉप कैलकुलेशंस के क्वेश्चन चल गए हैं। पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के किए थे, अब अपन वर्कशॉप कैलकुलेशंस के क्वेश्चन करने वाले हैं।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशंस की क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, यह क्वेश्चन आपको जो कुछ समय बाद यूट्यूब पर अपने इसी चैनल पर ये इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड होगा, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको वह ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। इसके बाद वही वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।